20 years पे चलना पड़ेगा। After marriage, your wife wants all your property in her name, directly or indirectly. आप मानो ना मानो, उसका फादर की ब्रदर उसको कुछ नहीं देने वाले। ये बेसिक आइडियोलॉजी है। ये आपको शादी का टाइम सोच के ही चलना पड़ेगा। सपोज शादी करना है तो इट्स लाइक जैसे आप शेयर मार्केट में आप जब पैसा डालते हो, रिस्क फैक्टर है ना, ये रिस्क फैक्टर आपको लेना पड़ेगा। सपोज आपके रिस्क फैक्टर जो स्ट्रेस लेवल होता है जब कोई मेन के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, वो किसी से शेयर नहीं करते। इवन मैं जब हेल्पलाइन चलाता था, लेकिन उसको स्ट्रेस कम नहीं होगा जब तक आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। डाइवोर्स उसका केस सुनो, सुन के देखो उसमें अनसर्टेनिटी है कि नहीं है। वो डाइवोर्स फाइल करने से डाइवोर्स मिलेगा उसको? यू हैव टू रिमूव हिज केस। सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंस। डाइवोर्स उसके लिए कितना इंपॉर्टेंस है? कभी कभी लोग क्या करते हैं, हाँ में आ जाता है, मुझे डाइवोर्स चाहिए बस। अरे भाई, डाइवोर्स लेने के बाद क्या करेगा? कितना इंपॉर्टेंस है तेरे के लिए? शादी के लिए तेरा दूसरा लड़की कोई वेट कर रहा है क्या? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग व्हेन अ न्यू पर्सन कम। उसका वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए वो इंपॉर्टेंस क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, ये उसको समझाने का। सपोज उसको दोनों में से कोई एक चीज आपने जीरो कर दिया, उसको कन्विंस कर दिया, वो जिंदगी में कभी नहीं होएगा। आइदर उसको अनसर्टेनिटी जीरो करा दो, सपोज आपको हिम्मत है उसको डाइवोर्स दिला दो, ऐसे कोई पॉइंट दिला दे, और नहीं तो उसको ये समझा दो तेरे लिए डाइवोर्स की जरूरत नहीं है, तेरे को जो करना है तू बिना डाइवोर्स का कर सकता है। आइदर ऑफ देम यू मेक जीरो, ही विल बी स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पी। कुछ केसेस में हो नहीं पाएगा, तब क्या करना है? देन यू यूज दिस थ्री एक्शन प्लान, एक्ट और एक्ट। सपोज ये दोनों में से ना उसका अनसर्टेनिटी से खत्म हो रहा है, ना इंपोर्टेंस खत्म हो रहा है, तो उसके लिए आप एक्शन प्लान बनाओ, बना के उसके ऊपर एक्शन करो। वो भी नहीं कर सकता है, मतलब देशों के बच्चा अवॉइड इट। जिंदगी में कभी इंडिया का नाम ही मत लेना, ढूंढते रहे, बट यू हैव टू डू इट। तो मेन जो है, आप कभी भी कोई भी नया विक्टिम है, कोई भी आप जैसे ही किसी को काउंसलिंग करते हो, किसी से फोन पे बात करते हो, दिमाग पे ये चीज रखना, उसको स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी और इंपॉर्टेंस में कोई एक चीज को आपको जीरो करोगे, नहीं तो कम करोगे, नहीं तो वो कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, आपका खुद का केस के भी, बाकी केस में भी। नेक्स्ट, कभी भी आप वीकली मीटिंग में आते हो, यू हैव टू ऑलवेज फाइंड ए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन था? एक सिंपल लड़का था जिसको कुछ नहीं आता था, एक रॉ टैलेंट था, रॉ टैलेंट जिसको बोलता है हम मार्केटिंग लैंग्वेज। उसको खाली भागना आता था, मेहनत करना आता था, बड़े बड़े पहाड़ में चढ़ जाते थे। चाणक्य ने उसको देखा, उसको ट्रेन किया। स्ट्रेंथ जो है हमारा ऑनेस्टी है, जो भी है हमारा वीकनेस क्या है, वी नेवर डू एनीथिंग फॉर मेनोरी। आज आप देखोगे ओमन ऑर्गेनाइजेशन में सिलाई मशीन का दुकान चला रहा है ओमेन के लिए, उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, हाँ, उस पर करप्शन भी कर रहा है। आप बोलो कौन सा मेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 10 टैक्सी डाले हैं दिल्ली जाते हैं। लेकिन हमने कारपेट बॉम्बिंग डाला था, हम हमारा तरफ से नहीं था। मैं बोला ठीक है, जो जो पिंक चट्टी भेजता है ना उसको पिंक कंडो भेज दो। जब उनका ऑफिस में जाना होगा एक हफ्ते के अंदर भक्ति को, तो ये बोलता है कारपेट बॉम्बे। क्यों? जब गुलाबी गैंग आदमी को पिटाई करता है दारू पीने के लिए, उसको तुम अवार्ड देते हो, और वही चीज कोई दूसरा करते हैं तो उसको आप बोलते हो नहीं कि वो ओमन किया है क्राइम, इसलिए उसके लिए मतलब अवार्ड है। तो ये जो माइंडसेट है, कोई कोई टाइम जो बोलता है ना, और एक चीज बोलता है, सीधा उंगली से घी नहीं हटता, उंगली कभी कभी टड़ा करना पड़ता है। लेकिन विद द लीगल फ्रेम, आप देश में रहो, आपको लॉ पालन करना है, लॉ का हिसाब से जो है वो सबसे करो। आप लॉ तोड़ भी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार रहो। तो ये मत सोचो नहीं मैं लॉ तोड़ूंगा भी, इंडिया में ही रहूंगा और उसके बाद रहूंगा, अरे यार मेरा साथ ये हो गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना।
तो जो कारपेट बॉम्बिंग है मैं एक एग्जांपल दिया, जब न्यूट्रलाइज द ऑपोजिट पीपल्स वो आ रहा है तो उसको ऐसी जगह पे रख दो वो मतलब उसको क्या बोलते हैं एक शॉकिंग हो जाता है यार, बिकॉज़ दे नेवर एक्सपेक्टेड, तो ऐसे कुछ दिमाग लगा के किसी ने हमें पिन पॉइंट पे मैसेज शुरू कर देगा जिसको कारपेट कॉम्बिंग बोलते हैं। हर ऑलवेज थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ मैन, जो मैंने बोला देखो ये सब जो लॉ है ना कुछ नहीं है, जिस दिन जैसे हमने बोला द डे ए मैन वुमन विल लर्न टू रिस्पेक्ट अदर वुमन वायलेंस इन द सोसाइटी विल बी 90% रिड्यूस, सेम वे द डे ए मैन विल ट्राई टू हेल्प द अदर मैन कोई सुसाइड नहीं करेगा, कोई बात नहीं कोई हो जाए, चार ऑटो डाल के कोई चार गरीब आदमी को दे दो, बना दो एक एनजीओ, मेरा ऑटो वाला एनजीओ है, मैं वही गरीब लोगों को ऑटो देता हूं फ्री में, कोई किराया नहीं लेता उससे, चार टैक्सी डाल देता हूं, सौ रिक्शा डाल देता हूं, ऐसे बहुत चीज है। तो ऑलवेज थिंक दैट दैट इज आवर द नेक्स्ट लेवल मूवमेंट, जिस दिन वी विल बी एबल टू अचीव दिस उस दिन ये लॉ नहीं बनेगा, क्यों? उस टाइम आपके पास मैन पावर होगा, आपके पास वोट बैंक होगा, सब पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आएगा। And most important thing, emotion and legal, ये दोनों का भी mix नहीं होता। हो सकता है आपका wife के लिए थोड़ा बहुत use हो जाता है, क्यों? मैं बहुत लड़ाई को बोलते हुए सुना, जांच का सामने जाके बहुत चोट-चोट से रोना, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। You have to realize this. तो जो आपका इमोशन होता है, नहीं नहीं मैं प्यार करता हूँ बीवी से बहुत, अरे यार नहीं यार मेरा पेरेंट्स एज ओल्ड हो गया है तो मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, इमोशन गेम इमोशन से खेलो, लीगल गेम लीगल से खेलो। आपको कोर्ट का डेट है, क्रिमिनल केस है, मतलब यू आर सपोज टू अटेंड द कोर्ट, दैट इज द लॉ ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द लॉ ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्योर, उसमें आपका इमोशन का कोई मायने नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी जो नुपुर सिंह नुपुर तलवार आई थी, केस बहुत बढ़िया चल रही थी, उनका बेल भी हो गई थी, जेल भी नहीं जाना पड़ा था, लास्ट पे जाके उनको जेल जाना पड़ा, क्यों? कि वो कोर्ट का डेट अटेंड नहीं कर रही थी। तो ऑपोजिट पार्टी को आपने एक लीगल वेपन्स दे दिया उनको, एक तो आप बुरा हाल में फंसे हुए हो, उसके बाद आप कोर्ट का डेट अटेंड नहीं करोगे, तो उसमें क्या है, ऑपोजिट पार्टी अनडू एडवांटेज लेगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लोग क्या होता है, थोड़ा इमोशन में आ जाता है, ये सोचता नहीं मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी तो ऑपोजिट पार्टी परेशान हो जाएगी, अरे क्यों भाई, आराम से जाओ, हंसते मिसते जाओ, चाय पियो, घूम के आ जाओ, क्या हो गया, बहुत ज्यादा लगता है, डर लगता है, एक अंदर कैमरा डालो, चार दोस्तों साथ में ले जाओ, पार्टी करके आ जाओ, कोर्ट में कोई जादू नहीं होता है। जैसे आज आप लोगों को लगता है ना बैंक जाना क्या है, कोई डरते हैं बैंक जाने के लिए, कैश निकाल के रुपया मांगा चाय पीने के लिए, वो भी मेरा ब्लॉक में होते थे। तो ये बहुत जरूरी है, क्यों? बहुत चीज हम भूल जाते हैं, इवन आपका पर्सनल केस जो है वो भी आप अपलेट कर सकते हो डे टू डे, तरह की है। मैं बोला ना क्रिटिसाइज किसी को भी अच्छा नहीं लगता। एक जर्नलिस्ट थी पुणे में, हमारा आर्टिकल लिखती थी, बहुत दो तीन आर्टिकल लिखी थी, और क्या सोचा हमें खरीद लिया, उसने एक गंदा सा आर्टिकल लिखा अदित का खिलाफ, अदित का एक व्यू लिया और तीन फेमिनिस्ट का व्यू निकाल के ऐसे दिखाया जाए अदित ने गलत किया। हमने ब्लॉग बनाया, ब्लॉग बना के सब मीडिया को भेज दिया, ये तुमने ऐसे यूनो जर्नलिज्म किया। वो बोलता है, उसका बॉस बोलता है, वो जर्नलिस्ट का जो है वो मतलब क्या बोलते हैं डिप्रेशन में चली गई। अदित को बुलाया, भैया वो बोलो ब्लॉग विथड्रॉ करने के लिए। हाँ बोला हाँ ब्लॉग विथड्रॉ कर दूंगा, आप आर्टिकल विथड्रॉ कर दो, नहीं आप नहीं करोगे तो आगे कोई आर्टिकल नहीं लिखूंगा, मत लिखो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, और वही न्यूज़पेपर उसके बाद चार आर्टिकल और लिखा पुणे में। आपको प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है, इवन एक छोटा सा बच्चा जो है ना वो भी नहीं रोएगा तो उसको दूध नहीं मिलता। तो कोई भी जगह पे आपको लिखेगा, कोई भी एंटी मेल जो मतलब मैंने बोला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं लोगों को इमोशन से भड़काते हैं, आप उसको प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट है ब्लॉक, कोई भी आर्टिकल मतलब ओमन ओमन किस लड़ रहा है तो ओमन लेना है,
तो ऐसे स्ट्रेटेजी आपको बनाना है, ये कॉम्बिनेशन, जैसे आप इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखो उसमें जैसे गांधी जी का भी जरूरत था तो नेताजी सुभाष चंद्र का भी था। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं कोई नेताजी स्टाइल में काम करते हैं कि कोई मतलब गांधी जैसे। आप इस ग्रुप को यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा ये 35-40-50 लोग खड़े हैं, पर ये ग्रुप बहुत बड़ा है, इसके 5000 से ज्यादा मेंबर हैं, सारे कंट्री में 40 स्टेट्स में, 40 सिटीज में इसकी मीटिंग्स हो रही हैं, वीकली मीटिंग्स, इसका बहुत बड़ा ग्रुप है। अमित के पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इसने मुझे सिर्फ SMS किया और उसके बाद मैंने इसकी कोई हेल्प नहीं करी, मैंने वो SMS सिर्फ 2-4 लोगों को आगे फॉरवर्ड किया। बाय द टाइम ये इंदौर पहुंचा इसकी बेल 5 मिनट में हो गई। नागपुर के किसी एक्टिविस्ट ने बीजेपी के किसी लीडर को ये बोला कि इस पर्सन की बेल होनी चाहिए और किसी तरह से कोई कांटेक्ट बढ़ा के इसकी वहां पे जाते ही बेल हो गई। इसके परिवार वालों को ये तक नहीं पता था कि इसकी बेल कैसे हुई और ये कौन सा ग्रुप है, कहां से आए ये सारे लोग। तो इसीलिए इस ग्रुप को आप छोटा मत समझो, यहां पे आओ, वीकली मीटिंग अटेंड करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इट इज एज गुड एज गोइंग टू योर ऑफिस। अगर आप वीकली मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा, जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो अगर आप वीकली मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हो आपको नहीं पता चलेगा कौन से नए लॉज आ रहे हैं, आप क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हो। एवरी वीक वीकली मीटिंग में आपको कोई ना कोई नया तरीका, नई लर्निंग, नया फाइट करने का जज्बा और अपने से ज्यादा जो दुखी लोग हैं उनको हेल्प करने का मौका मिलेगा और उनको देख के आपको बहुत सारी हिम्मत भी आएगी कि मेरा केस शायद इनसे ज्यादा कम लेवल पे है और मैं अभी फिर भी कंपैरेटिवली ज्यादा सुखी हूँ। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे दुनिया में हर रिलेशनशिप होती है, ये रिलेशनशिप भी गिव एंड टेक की है। गिव एंड टेक से मेरा मतलब बहुत सिंपल है, आप मूवमेंट से अगर कुछ हेल्प ले रहे हैं आप मूवमेंट को हेल्प वापस जरूर करेंगे, ये बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जितने लोगों जो अटेंडेंस शीट है सबने अगर अपना ईमेल आईडी लिख दिया है, प्रेजेंटेशन जो चली है वो सबको भेज दी जाएगी। इस रूम में जितने लोग हैं वो आज के बाद ये नहीं पूछ सकते कि हम क्या कर सकते हैं मूवमेंट के लिए। आई थिंक वो सवाल किसी के दिमाग में नहीं रहा, किसी के दिमाग में भी वो सवाल है तो बता दीजिए। उसमें आप लोग का सजेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्या इवेंट करना चाहिए, क्या नाटक करना चाहिए, नाच गाना क्या करना चाहिए, दिस व्हाट आवर प्लान इज। नेक्स्ट स्लाइड करना। नाउ दिस इवेंट हैज टू बी अ मेगा इवेंट, इसका मतलब ये है कि दिल्ली का एक एक बंदे को पता होना चाहिए इंटरनेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट हो रहा है और यहाँ पर वो कैसे होगा, पोस्टर्स होगा, पैम्पलेट्स होगा, स्टिकर्स होगा, इंटरनेट ईमेल सब होगा। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट दिस दिस इज द नेक्स्ट वी कस्टमाइज टी-शर्ट्स फॉर योरसेल्फ। भाई लोग दूसरों की प्रॉब्लम सुनोगे तो अपनी भी प्रॉब्लम कम लगती है, तो इसलिए प्लीज इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं तो प्रॉपर्ली जुड़े, सपोर्ट करें और सपोर्ट ले।